काफी सर। अरे डॉक्टर साहब काफी सर, एक मिनट खड़े आना डॉक्टर साहब। काकड़ सर मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बुरी, बहुत बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। मगर क्या हुआ? कुछ लड़के एक लड़की को लेकर आए थे और उसका रेप कर दिया उन लोगों ने। बेचारी मरने वाली थी, मुझे इलाज करने के लिए बुलाया। लड़की कौन थी? नहीं मुझे मालूम नहीं, वहाँ पे इतना अंधेरा था मैं ठीक से देख भी नहीं पाया। फिर पता नहीं उस लड़की के साथ क्या हुआ, जिंदा है भी कि मर गई, कुछ भी पता नहीं। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। जब मैं नासिक के मंगली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, उस वक्त एक केस खबर की शक्ल में उड़ते उड़ते हमारे पास आया। वैसा बहुत अच्छा लगता है कि आज दुनिया और हमारा देश बेटियों के विकास पर जोर दे रही है और बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो खेल हो, फौज हो, बेटियां बेटों से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब ऐसा होता है जो मेरे जोन के भातरी गांव में हुआ, तो देश का सर झुक जाता है। सच बोलता हूँ, आज भी जब उस केस के बारे में सोचता हूँ तो खून खौल उठता है। आप भी जब देखेंगे तो आपका दिल भी कांप उठेगा। सर एक खबर लाए। सब उधर पूरे गांव में खबर है सब कि लड़के के साथ रेप हुआ है। पूरे गांव का हर एक आदमी बात कर रहा है सब। क्या नाम है गांव का? वही भातरी गांव, इधर के थाने में पड़ता है। कौन लोग बात कर रहे थे? वही गांव वाले लोग। सर अपनी तरफ से केस फाइल करें सुओ मोटो। नहीं पहले पता करो ये सच है या अफवाह है। ठीक है चल आता हूँ सर। हाँ लेकिन तुम्हें ये कौन बोला? वो मेरी ताई का सगा सुरेश। सर सावित्री का बेटा पूरब। किसके साथ हुआ, किसने किया, वो सब नहीं मालूम साहब। लेकिन आपको किसने बताया? साहब वो पटवारी साहब है ना, वो बोल रहे थे। कुछ लोग बातें कर रहे थे चौपाल पे, मदन, गावित, उल्लास और भी काफी लोग थे वहाँ। मुझे तो सरपंच ने बोला साहब। मैं क्या बताऊँ साहब। हाँ लेकिन अपने वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर विमल देसाई, उन्होंने बताया। शाम के 4 बज रहे थे, मैं अपने क्लिनिक का दरवाजा खोल रहा था। ये देखो तुम गलत कर रहे हो। चुप कर तू, ये गलत कर रहे हो तुम। कितना भी केस होगा तुम पर। कहां पर लेकर आया मुझे? देख इसको, देख इसको क्या हुआ, देख इसको, इलाज कर इसका। देख क्या क्या है तुम लोगों ने इसके साथ। थानेदारी नहीं, डॉक्टर इलाज करने के लिए बुलाया तेरे को यहाँ पे। औषध दे, मेडिसिन दे। क्या हुआ है? बोल। इसकी हालत बहुत खराब है, इसका पल्स जा रहा है, बीपी लगभग खत्म है। इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करो, नहीं तो ये लड़की नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। दवा लिख, क्या करना है हम देख लेंगे। दवा लिख, ये लेके जा इसको। लड़की की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी साहब। कौन तुम? किसी को पहचाना? पता नहीं साहब, वो सबके चेहरे पे वो होता है ना मंकी कैप, सबने वो मंकी कैप पहना था। कहाँ छोड़ा आपको? रास्ते में ही छोड़ दिया। छोड़ा क्या साहब, उन्होंने गाड़ी स्लो किया और गाड़ी से धक्का मार के मुझे बाहर धकेल दिया। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अपने चेहरे से कपड़ा हटा पाता, गाड़ी निकल चुकी थी। कुछ बोले आपको? हाँ, मतलब कि अगर किसी को कुछ बताया तो तेरा ऑपरेशन कर देंगे। वो तुमको क्यों लेके गए इलाज के लिए, तुम्हें जानते थे? सब पता नहीं, मैंने कहा ना उन लोगों ने मंकी कैप पहना था, तो पता नहीं वो लोग कौन थे। तुम्हारे क्लिनिक के बाहर सीसीटीवी है? है, लेकिन खराब हो गया। ठीक करवा लो उसे। जी। लड़की का हुलिया देखा, चेहरा? सब अंधेरा था वहां पर, तो मैं ठीक ठीक देख नहीं पाया। उसका चेहरा काफी सूजा हुआ था, बहुत पीटा था उसको, नीचे कपड़े पे खून भी था।
कोई सीडेटिव उन्होंने मतलब बेहोश करने की दवा उस लड़की को दी थी उन लोगों ने। अच्छा, तुम जब ट्रैवल कर रहे थे तो कुछ आसपास से आवाज सुनाई दे रही थी, कितना टाइम लगा वहां जाने तक अंदाजा? शाम के 4 बज रहे थे जब उन लोगों ने मुझे गाड़ी से उठा लिया था। फिर करीब 20 मिनट तक गाड़ी सीधी जाती रही, फिर एक जर्क आया, मतलब उन्होंने एक सडन राइट टर्न ले लिया। फिर वहाँ उस रास्ते पर एक बस स्टैंड था, कंडक्टर की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी इसलिए मुझे लगा बस स्टैंड होगा। फिर उसी रास्ते पर 10 मिनट तक चलते रहे होंगे हम लोग, एक मंदिर था वहाँ पे, घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और 5 मिनट तक हम लोग आगे गए होंगे और गाड़ी रोक दी उन लोगों ने। फिर जब मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं अंधेरे कमरे में था। लड़की मीडियम हाइट की थी, दुबली पतली सी थी और अच्छे परिवार से जान पड़ती थी। उसके हाथ में घड़ी थी, गले में चेन थी और साहब लड़की की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब। पता नहीं आगे उस लड़की का क्या हुआ। हेलो, हाँ ठीक है, हम आ रहे। सर ये रूम। डॉक्टर साहब, मेरी लड़की कैसी, तबीयत कैसी है उसकी? देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे थोड़ी बात करनी है, एक मिनट आइए प्लीज। सर रेप हुआ है लड़की के साथ, शायद सामूहिक, और अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। उस लड़की को देख के मेरा दिल दहल गया। हमारे सामने कई सारे सवाल है कि कौन है ये लड़की, कौन है वो लोग जिन्होंने इसके साथ एक घिनौनी हरकत की। कोई भी हो, सामान्य से सामान्य आदमी के पीछे भी बड़ा राज छिपा होता है। और देखो ये सब बहुत आसान है, अब फॉर्म विम भरने का रहेगा तो मैं भर दूंगा ना। और हाँ, आपकी डीलरशिप भी दिलवा देंगे, और आपकी कुएं की जगह, सुदर्शन भाव की गली की सड़क, आप लोग की गासलेट की दुकान, बाबा ना सब में आपकी हेल्प कर देंगे। पर अभी हम, बाबा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो अभी आप चलकर खाइए और आप लोग भी शाम को आइए। अरे बैठे 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 बैठे, अरे मिता बेटा मैं खाना खा लूंगा, तू टेंशन मत ले। कब, कल, परसों? बाबा हम जानते सबको आपकी हेल्प चाहिए, पर खाना भी बहुत जरूरी है, उठिए। अरे अच्छा आप लोग चलिए, मैं कल सवेरे आप लोग से मिलता हूँ। धन्यवाद। चलिए। अरे चलता हूँ बाबा, चल चल। अरे चलिए बैठिए। हाँ सब तैयारी किया। कभी कभी मेरे को लगता है ना कि मैं इसका बाबा नहीं हूँ, ये मेरी बाबा है। बाबा नहीं, आई हूँ मैं आपकी। पापा आप हमेशा बच्चों की तरह करते रहते हैं, कितनी बार बोला कि आप सबको सलाह देना बंद करो, क्या मिलता है आपको सबको सलाह देकर? खुशी मिलती है, तरक्की होती है। हाँ मालूम है, खुशी बांटने से बढ़ती है, पर सेहत खाना खाने से बनती है, भूखे पेट रहने से नहीं। आई रोटी हो देते। अच्छा देख, मैं तो अपना खाना खा रहा हूँ, लेकिन तू ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बाबा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ और अब तक जो भी चाहे हासिल किया है। श्याम कॉन्ट्रैक्टर की बेटी को इंजीनियर बनना पड़ेगा। बन के रहेगी, बस 3 साल और। मेरी बेटी हीरो है। आई हीरो नहीं, हीरोइन। मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं किसने किया। रोज सुबह 9 बजे ट्यूशन जाती थी और 2 बजे तक वापस आ जाती थी, लेकिन कल जब वो वापस नहीं आई तो मैंने उसको फोन किया, उसको फोन भी स्विच ऑफ आया सर। सर पता नहीं किसका फोन आया साहब, मेरे को बोला कि तुम्हारी लड़की
रिक्शा स्टैंड के पास पड़ी है। किसका फोन आया था? शेर की पता करो किसका नंबर है। कितने बजे आया था? सर यही कुछ 6:30 बजे आया होगा। हाँ, लग गया फोन। अरे फिर से स्विच ऑफ है। अरे देवा। हेलो शांत तांबे। हो तुम्हारी बेटी मीता ऑटो स्टैंड के पास पड़ी है। क्या कौन बोल रहा है? हेलो हेलो क्या चल रहा? क्या हुआ? चलो क्या हुआ मुझको बताओ। अरे आराम से जल्दी आ जा। हो पर का जालो? अरे तो चल तो पहले। अरे शांभव क्या हुआ? आप तो परेशान लग रहे हैं। अरे हाँ वो मीता कल से घर नहीं आई तो अभी किसी का फोन आया था, बोला कि आपकी बेटी जो है रिक्शा स्टैंड के पास पड़ी है, आके ले जाओ। वहीं जा रहा हूँ। हाँ चलो ऊपर। प्रतीक भाऊ के साथ जा। तुम मैं जाता हूँ। वो फोन पे क्या बोला था उसने मुझे बताइए। कुछ सुनाई नहीं दिया फोन पे। उसने बोला तुम्हारी लड़की रिक्शा स्टैंड के आसपास है, जाके उठाओ, देखो जाके। ए भाई भाई आपने किसी लड़की को देखा क्या? इधर नहीं देखा। मीता 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 काका। अरे काका काका आओ यहाँ। काका काका मीता काका मीता। सर जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो बेहोश थी। हम लोग ही उसको उठा के इधर हॉस्पिटल लेके आए। जिसने आपको फोन किया उसने एग्जैक्ट क्या बात की आपके साथ? ज्यादा बात नहीं हो पाई। मैं उसको कुछ पूछता इससे पहले उसने फोन काट दिया। उसने तुम्हारे फोन पे फोन किया इसका मतलब तुम्हारा जान पहचान करेगा? नहीं नहीं साहब, अभी जान पहचान का कोई अपना ऐसे सगे के साथ ऐसा करेगा कैसा? सर वो फोन खेड़ेगांव के सागर बस डिपो के पीछे से आया था। और मीता का फोन? सर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है। उसका CDR निकालो और सर्विलेंस पे डालो। ठीक है सर। इधर साहब इस तरफ। साहब मीता यहीं पे मिली थी। कर ले सर। उन लोगों को तो कुछ नहीं पता। ठीक है आसपास का CCTV फुटेज मिलता है कि देखो। ठीक है सर। शिरके डॉक्टर विमल के हिसाब से उसे नाथपाड़ा से उठाया गया। उसके बाद में करीबन 20 मिनट के बाद उसे एक कंडक्टर की आवाज सुनाई दी, मतलब ये सागर बस डिपो हो सकता है। वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद उसे मंदिर की घंटी सुनाई दी, मतलब ये हरिहर मंदिर। और उसके 5 मिनट के बाद गाड़ी रुक गई तो ये एरिया हो सकता है, पकलुच कुकाना शेगा धूपखेड़ा के आसपास। हाँ सर। और लड़की के पिता को सागर बस डिपो के आसपास के पीछे से कॉल आया था, मतलब ये अपराधी ने अपना काम इधर कर लिया, लड़की को ठिकाने लगाया, फिर से सागर बस डिपो की तरफ गया और वहां से उसने फोन किया और चला गया। लेकिन सर कहां गया होगा, कहां से आया और कहां निकल गया? वो तो पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी उसने किया है वो यहाँ पकलुच कुकाना शेवगांव और धूपखेड़ा के आसपास किया है। शिरकी तेरा आजू बाजू पूछताछ कर, किसी ने कुछ देखा जाए लड़की का हुलिया या किसी को आते जाते? क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक 4 लोग तो किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा हो। प्रत्येक गोष्टीला फोन करणार का मला? तू क्रेडिट कार्ड वापर ना का, पैसे तिकडे द्यायला येऊ आणि कामात आहे मी। सर आसपास तो किसी ने कोई मूवमेंट नहीं देखी। तुम पूछताछ करते रहो, मैं जरा हॉस्पिटल जाके आता हूँ। लगता है तहकीकात का रूट बदलना पड़ेगा। एक 17-18 साल के लड़की के साथ कुछ अपराधियों ने घिनौनी हरकत की थी। लड़की हॉस्पिटल में थी और अपराधी फरार। और मुझे और मेरी टीम को सुकून नहीं था क्योंकि अपराधी को हमने अब तक नहीं पकड़ा था। एक बात बताऊं,
अपराधी का चेहरा घिनौना या डरावना नहीं होता, वो तो हम जैसा ही होता है। इसीलिए उसके होने की और उसके करतूतों की दस्तक हमें मिलती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। डॉक्टर विमल ने हमें तहकीकात का एक रूट बताया था, उसके ऊपर मेरी टीम चल रही थी और मैं हॉस्पिटल पहुंचा तहकीकात का दूसरा रूट ढूंढने, क्योंकि पुलिस को सुराग दो ही जगह मिल सकता है, एक तो क्राइम लोकेशन पे या विक्टिम के पास। लड़की शॉक में है, होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। रेप के बारे में कुछ पता चला? कितने लोग हो सकते हैं अंदाजन? कहना मुश्किल है सर, डीएनए टेस्ट करना होगा। आपके पास अगर डीएनए टेस्ट होता है तो कीजिए, क्योंकि आरोपी पकड़े जाने के बाद डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसको नशे की दवा भी दी गई थी और पीपी को नीचे लाने के लिए भी कुछ दिया गया था, जबान पे पड़ा मिला है, निगला नहीं था उसने। कर ले, डॉक्टर विमल ला पुलिस स्टेशन ले बोलो। तुमने लड़की के लिए जो दवा दी थी उसका नाम क्या था? लड़की का बीपी एकदम नीचे जा रहा था, उसे नॉर्मल करने के लिए मैंने मोबार्टिन डी लिख के दिया था। स्पेलिंग लिखो। तुमने लड़की को जब देखा तो वो बेहोश थी ना? जी हाँ, वहां जमीन पर मैंने एक दवाई की स्ट्रिप भी देखी थी, जेलियम ट्रैप हॉस्पिटल। लिखो। शायद लड़की को यही दवाई दी गई थी। लड़की बेहोश थी ना? जी सर। किसी का क्या बिगड़ा था मेरी बच्ची ने, जो उसे ये सब को। हाँ भाई इधर हूँ, क्या हुआ क्या हुआ? पापा ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या क्या? हाँ वो आई कहाँ है? आई क्या हुआ? बुटा तो क्या हुआ? बुटा लेकिन मिठाई किसने खिला रही हो? आप लोग मिठाई खाइए ना, बस मन हुआ। चलो अब बता जल्दी से क्या हुआ है। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मैं पास हो गई। अरे वाह बिट्टूबा, तुझे सगड़ा इच्छा पूर्ण करो दे, कभी कोई आँच ना है मेरी बेटी पे। डॉक्टर के मुताबिक उसे 4 बजे उठाया, 4:30 बजे वो ठिकाने पहुंचे और बाद में आगे 1 घंटे भर में ये दवाई खरीदी गई होगी। एक काम करो शिरके, नाथपाड़ा से लेके पकलूच तक के एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, पता करो ये दोनों दवाई किसने खरीदी। लो ठीक है सर। ये बेहोशी की दवा है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते हैं। वैसे भी ये दवा हमारे पास स्टॉक में नहीं है। ये दोनों दवा हैं सर हमारे पास, पर कोई लेके नहीं गया। हाँ सर, सर परसों सुबह एक आदमी लेकर गया था जेलियम ट्राइफॉस्फेट सुबह 8 बजे, और मॉर्वेटिन डी, सर मॉर्वेटिन डी भी उसी दिन कोई आदमी लेके गया है शाम को 5 बजे। ये बेहोशी की दवा है? जी सर। मॉर्वेटिन डी वैसे सर बीपी की दवा है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है ये? नहीं सर। तो फिर तुमने कैसे दे दी? शायद सर, नहीं उसके पास प्रिस्क्रिप्शन था। था या नहीं अभी बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सॉरी सर, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं था, वो एक्चुअली बहुत जल्दी में था और कह रहा था घर पे प्रिस्क्रिप्शन भूला, इसलिए दे दिया। ये दोनों दवाई एक ही आदमी ने ली थी? सर एक मिनट। हाँ सर, सर ये दोनों दवाइयों की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही हुई है, और सर एक ही कार्ड से हुई है, देखिए। ये सीसीटीवी काम करता है? जी सर। इसका फुटेज चाहिए हमें जी, और एक कार्ड की डिटेल्स निकलवाओ। सर सर यही था,
ये दो बार गया था ना, एक बार सुबह बेहोशी की दवा लेने के लिए और बाद में शाम को 5 बजे। जी सर, शाम को इसी ने बीपी की दवा ली थी। शेर की लड़की भी इसी गांव की है? हाँ सर। दैवत कल शाम तक था, सुबह निकल गया। किसके साथ? एक लड़का था। कौन था, क्या नाम है लड़के का? नहीं साहब, मैंने ठीक से देखा नहीं उसको। किधर गए दोनों? बताया नहीं साहब, वो कभी बता के नहीं जाते हैं। मोबाइल नंबर दो दैवत का। हाँ बोलिए। 9867। चिड़की इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकालो, इनसे दैवत का फोटो लो, हर पुलिस स्टेशन में भेज दो और नाके पे अलर्ट करो। ठीक है सर। सकाळी घेतली, खाऊन घेतली। सर, देवश शिंदे के फोन लोकेशन के हिसाब से उस दिन वो मेडिकल पर ही था, तकरीबन 5 बजे के आसपास। और 4:35 को पकलुज गांव में। हाँ सर, और ये पकलुज गांव में भी उसका फोन एक्टिव था, ये देखिए। क्या है यहाँ? सर ज्यादा कुछ नहीं है, एक पतली सी सड़क है और आसपास कुछ घर है। क्या कर रहे हैं इधर? चौकीदार साहब, ये सामान रखना था। तो खोल। चाबी मालिक के पास है। एक दूंगा रख के। अरे 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 खोल। सर इंजीनियरिंग की किताब है और ये फोन मिला है, लेकिन बंद है। इंजीनियरिंग की किताब मतलब ये बैग मीता का ही होगा। एक काम करो शिरके, फॉरेंसिक टीम को बुला, इस एरिया का टावर लोकेशन निकालो, पता चलेगा कौन कौन आया था। और तुम लोग सब कमरे के तलाशी लो अच्छी तरह से। मालिक, मालिक पुलिस सब कहा था साहब। भजन तू कौन है? सब बबन, ये घर माजे। अच्छा हुआ तू आ गया, कल इधर दैवत आया था ना दोस्तों के साथ? कल तो काना खाली जा काटू मैं, यही लक्ष्य हाँ आया था ना? नहीं साहब, वो दैवत सुबह मेरे से घर का चाबी लेके गया था। हाँ। वो बोला मैं दोस्तों के साथ में थोड़ा मजा मस्ती करते बैठेगा। सिर्फ बैठने आया था या कुछ और करने आया था? नहीं साहब, बाकी तो मुझे पता नहीं, मगर सब हुआ क्या है? शेर क्या बहुत भोला बन रहा है, इसको अंदर लेके जाओ सब याद आएगा। अरे चल जाओ इनके साथ। कटे चल। सर जिस घर में मीतू का रेप हुआ वहाँ की मोबाइल टॉवर लोकेशन के हिसाब से उस घर में 4 लोगों के फोन एक्टिव थे, दैवत, डॉक्टर विमल और 2 अननोन नंबर है सर। उनमें से एक नंबर के बारे में हमने पता कर लिया है। किसका है? बबन जादव के नाम रजिस्टर्ड है, ये 3:35 पे वहीं था। अगर उसने दैवत को सुबह चावी दी तो दोपहर में वहाँ क्या कर रहा था? बबन को लेके आओ। साहब वो दैवत मेरे को बोला कि शंभू कोई लड़की लेकर आ रहा है तो वो कमरा चाहिए करके। हाँ मैंने बोला उनको कि ये सब ठीक नहीं है। ये तू बोला? हाँ आयशा साहब मैं ही बोला। फिर साहब वो जिद किया तो उन्होंने जिद किया और तूने जिद्दी लोगों को चाबी दे दी। ये शंभू कौन है? वो दैवत का गाँव वाला है साहब, वो बत्री गाँव का। शंभू और दैवत के अलावा बाकी के 2 लोग कौन थे वहाँ पे? साहब वो सब मुझे मालूम नहीं साहब। अच्छा वो डॉक्टर विमल भी कह रहे थे 4 लोग थे, शंभू दैवत, तीसरा तू, चौथा कौन था?
सब तू वहाँ क्या कर रहा था रे? सब मैं नहीं था सब। एक दूंगा रख के, तेरा मोबाइल लोकेशन बोल रहा है, तू था वहाँ क्या कर रहा था? हाँ साहब, मैं वो चेक करने गया था साहब। वो भैंस को चारा देना पड़ता है ना, वही चेक करने गया था। चारा देने गया था लड़की के साथ तू भी? नहीं साहब, आई शपथ नहीं साहब, मैं ये सब नहीं करता साहब। चल ठीक है, अब ये बता वो दो आदमी कौन थे? बोला ना साहब, वो सब माकर टोपी डाले थे। दादा भी क्या रे, ये तुम लोग माकर टोपी का को डाला? वो लड़की पहचान लेगी ना, इसलिए। चलो चलो, आप भी चलो, मस्त आइटम में दिखाता हूँ। चलो चलो चलो। अरे चलो ना साहब, वो चार लोग थे और वो सब लोग वो माकर टोपी डाले थे साहब। अपना शंभू और दैवत तो बकवास कर रहा था, लेकिन बाकी के दो लोग चुप थे, और उसमें से एक था ना साहब, बहुत बहुत कमीना था साहब। आओ आओ बबन दादा, शर्मा मत। कैसा आइटम, मस्त है ना? ए बबन दादा, कोई करने दो। चलो हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू। चाचा ये सब मैं नहीं करता है। लगता है शादी के बाद बबन भाई का पैंट ढीला हो गया। कुछ जो समझने का समझो। ए लवर, सैंपल करके दिखा। बाकी लोगों को मैं नहीं जानता साहब। शंभू का नंबर दे। नहीं होगा ना तेरे पास, चिर के हाथ घूम जा, नंबर काढ़ा। चल सब 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 मैं देता हूँ। नाटक करते सब देता सब, ये सौ दुसष्ट बारह उसको आता है पढ़ना। नमस्कार, ये देखिए जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, हमारी पार्टी की तरफ से ये आपको चेक। अरे वो बदला नहीं चाहिए साहब, अगर देना ही है तो इंसाफ दीजिए। जिन लोगों ने मेरे बेटे के साथ ये गंदी हरकत किया ना, उनको फांसी दिलाइए साहब, पैसा नहीं चाहिए। ये सब अजीब लग रहा है मुझे शिरके। क्या सर? दैवत, शंभू और ये लड़की, ये तीनों एक ही गांव के, और विक्टिम के साथ इन तीनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। शंभू का घर यही है क्या? हाँ साहब यही है। बुला उसको। नहीं फिलहाल तो अभी वो इधर है नहीं। कहाँ गया? कल से बोल रहा था कि किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ, और उधर ही रहने वाला ऐसा बोल रहा था। तू कौन है? मैं शंभू का मामा हूँ साहब। लेकिन आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो शंभू की, क्या हुआ? तेरे को मालूम नहीं? नहीं। अरे पूरे गांव में चर्चा है। हाँ वो लड़की वाला मैटर ना साहब। नहीं साहब, हमारा शंभू ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे मुझे मालूम है साहब। हाँ पखलूज में तू भी था ना उसके साथ? आप नहीं साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं साहब, कसम से। नासिक जिले के इस केस ने पूरी देश में सनसनी मचाई थी, मीडिया पब्लिक सारे रास्ते पे उतर आए थे, हमारी तहकीकात भी जारी थी, हमारे हाथ सुराग भी लगा था। हमें हॉस्पिटल से फोन आया कि विक्टिम को होश आ गया। जब हमने विक्टिम से बात की और वो बोली, तो यकीन मानिए पूरा देश, मीडिया, पब्लिक और हमारे होश उड़ गए। तुम वो चार लोगों को पहचान सकती हो? कौन चार? वो चार नहीं थे। फिर? वो तो बारह थे। सर, बारह लोग? उनमें से सिर्फ चार लोग हमें पता है। सर कहीं ये बबन जाधव भी तो शामिल नहीं है? चार और एक पांच होते हैं शेर के, बारह नहीं। आठ लोग कौन हो सकते हैं? भादरी गांव में हुई शर्मनाक वारदात को आज चार दिन हो गए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस अब तक एक भी सुराग नहीं जुटा पाई है। हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि इस जघन्य अपराध में 12 लोग शामिल थे, पर पुलिस के हाथ अब तक एक भी अपराधी नहीं लगा है। क्या कर रही है आखिर यहाँ की पुलिस? हाँ सर, दैवत तो शंभू को जानता हूँ मैं, वो मेरी ऑफिस में आते थे।
दैवत को तो मैंने उसके बिजनेस में हेल्प भी किया था सर। बिजनेस? हाँ, वो सीमेंट का डीलरशिप दिलाने में उस मदद किया था साहब उस कमीने को मैंने। ये दैवत और शंभू आपके घर पे आते जाते थे? घर पे बहुत नहीं साहब, कभी कभी आते थे फेस्टिवल में। वो लोग गांव में भी अलग मोहल्ले में रहते साहब। डॉक्टर बिमल को कितना जानते हैं आप? डॉक्टर बिमल कुछ खास नहीं साहब। मीडिया को अंदर मत जाने सर। सर, आखिर इस केस के बारे में क्या पता चला? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। अपराधियों के बारे में कुछ तो बताइए सर। पुलिस हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। क्या वो 12 अपराधी पकड़े जाएंगे? आखिर कौन थे वो 12 अपराधी? सर सर सर, मुझे अभी फोन आया था उनका। किसका? सर, किडनैपर्स का। क्या बोल रहे थे? सर, मुझे धमकी दी उन लोगों ने। बोला था ना तेरे को किसी से बात नहीं करना। कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप। पुलिस से बात किया ना तू? किया कि नहीं? कौन? अभी तो सुन, एक शब्द और बोला ना किसी को, गड्डी निकाल लूंगा तेरी। हेलो हेलो, किस नंबर से आया था सर? ये शिरके सर, ये तो गुजरात का नंबर लग रहा है। गुजरात पुलिस को अलर्ट कर दो सर। बोलो, बड़े खतरनाक लोग हैं सर। डॉक्टर, तुमने बोला था 4 आदमी थे, लड़की का बयान है 12 आदमी थे, तो फिर 8 आदमी दूसरे कौन थे? सर, 4 ही थे, मैंने तो 4 ही देखे थे। डॉक्टर और बबन का कहना है 4 आदमी थे, लड़की का कहना है 12 आदमी थे। वो तो 12 थे। फिर 8 आदमी गए कहा? सर, मोबाइल लोकेशन के हिसाब से भी 4 ही लोग थे। मोबाइल स्विच ऑफ किया होगा या घर पे छोड़ा होगा। ये चार्जर वहां रुके क्योंकि लड़की की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे दवाई दी, उसकी तबीयत सुधरी नहीं, फिर उसको उठाया और रिक्शा स्टैंड के पीछे फेंक दिया। सर, ये खबर मिला ले, शंभू के बाप का पैसा डॉक्टर विमल के क्लिनिक में लगा है। सर, लड़की बेहोश थी, ट्रॉमा में थी, तो ऐसे में उसे क्या दिख रहा था क्या नहीं दिख रहा था कहना मुश्किल। मतलब 4 लोगों के 12 लोग भी दिख सकते हैं। हो सकता है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें क्लास में या ट्यूशन में कोई लड़का छेड़ता था, परेशान करता था? नहीं सर। आपको कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, मतलब दोस्त है इंटरनेट पे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी बहुत आते हैं पर मैं एक्सेप्ट नहीं करती। कई दिनों से एक लड़का बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है। कौन है? नाम तो नहीं पता पर उसके अकाउंट में गंदी तस्वीर है। कुछ तो नाम होगा, कुछ अजीब सा है। आप अपनी आईडी का पासवर्ड दे दीजिए, हम पता कर लेंगे। MEETHA। सर, ये मीता तांबे का सोशल नेटवर्क अकाउंट है। कुछ मिला क्या? हाँ सर, वैसे तो इनको कई फ्रेंड के साथ ही रहती हैं, लेकिन ये लव शिकारी। ये लव शिकारी का फोटो डीपी? नहीं सर, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सर ये देखिए, सर ये जो फोटोज हैं लड़कियों और औरतों की, इनको बिना बताए ली गई है। ये जो लव शिकारी ना सर, ये बड़ा पावर्ड काइंड का मेरे को लगता है। मतलब? मतलब सर विपरीत बुद्धि का। चिरके सर, ये सब फोटो गांव की लगती है। इसका आईपी एड्रेस? सर आईपी एड्रेस तो है, लेकिन वो किसी मोबाइल नंबर पे जो कि फेक आईडी पे लिया गया था। अभी मैंने ट्राई किया लेकिन वो स्विच ऑफ जा रहे सर। शिरके, इसका आईपी एड्रेस तो निकालना ही पड़ेगा, और मुझे यकीन है ये भात्री गांव में मिलेगा। शिरके, एक ही तरीका इन्वेस्टिगेशन का, जिन औरतों की और लड़कियों की तस्वीर खींची है ना, उनसे पूछो इस लड़के को देखा है क्या उन्होंने। मालूम नहीं किसने निकाला है फोटो, मैं तो देखी भी नहीं। कितना गंदा फोटो निकाला साहब इसने मेरा, इसको पकड़ो और बंद करो जल्दी से। किसने निकाला था फोटो? पता नहीं साहब, मना किया था मैंने कि मत लो ये फोटो, लेकिन वो मानता ही नहीं। किसने ली थी ये फोटो? अब मैं नाम बताऊंगी तो मारेगा वो मुझे। तुम बस नाम बताओ उसका। वो दिन भर गाँव में घूम घूम कर लोगों की फोटो निकालता है और टोकने पर कहता है कि ठीक बाय, कल मिलते हैं। फोटो क्यों निकाल रहा है मेरी? मैं तो मेरी सेल्फी निकाल रहा हूँ, तेरी फोटो कौन निकालेगा? चल
सेल्फी बोल बोल कर लड़कियों और औरतों की फोटो निकालता है। नाम क्या है उसका? नाम तो पता नहीं, पर वो तालाब के उस तरफ मोहल्ला है ना, वो उधर रहता है। जानता हूँ सब उस लड़के को जिसने ये तस्वीरें निकाली। इसका बाप तो दुकान है, सीमेंट और ईंट बेचता है, और जिस लड़की के साथ कांड हुआ ना, उसके बाप ने मदद की थी दुकान खोलने को। ये अपने बेटे को बर्बाद करके रखा है। काय माधव, काय चाल रहा है? नासिक में सीमेंट का गोनी 240 में मिलता है और इधर तू 320 में बेचता है। पापा, मेरे को 10,000 रुपए दो, नया मोबाइल लेने का। अरे तेरा क्या नाटक है, रोज रोज नया मोबाइल। पापा मेरे को बताओ, मार्केट में नई चीज क्यों आती है? क्यों? क्योंकि मेरे जैसे लड़के उसको खरीदे। चलो लाओ, 10,000 रुपए दे दो। तू भी ना नहीं मानेगा तू। ले आयुष कर जा। थैंक यू पापा। हाँ सुधरना रहे कभी। देख देख वो पिंक वाली देख, आजकल तो बहुत बड़ी दिखने लगी है। जवारी जो चढ़ी है अभी। आजकल इंटरनेट और टीवी ने सबका दिमाग खराब करके रखा है। किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आप तो सरपंच हैं ना इस गांव के, आपको तो ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है इन सब कांड में लड़का शामिल हो। हाँ सब, हमारी गलती हो गई। यानी कि एक बार उसकी कंप्लेंट आई थी हमारे पास, लेकिन हमने ताकीद देके छोड़ दिया उसे। देखो आता तुम इस काई तरीका। यही है वो लव शिकारी। हाँ, यही भेजता था मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट। इसे जानती आप? नहीं। ये माधव का बेटा है जिसे आपके पापा ने बिजनेस में हेल्प की थी, सीमेंट की डीलरशिप दिलवाई थी। वो सही लड़का नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं उससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बाबा ये जो प्रतीक है ना, बिल्कुल सही लड़का नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा क्या किया उसने? बहुत बकवास बातें करता है। अरे बेटा वो थोड़ा मस्ती खो रहा है, लेकिन ऐसे हमले से। तूने देखा उसने अपने बाप का बिजनेस कैसे चमका दिया? क्या हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे वो प्रतीक के बारे में बोल रही थी। ये वहां था जहां आपको ले गए थे? मालूम नहीं सर, सबने मंकी क्या पहनी थी। वो आया था? नहीं सर, लगता है उसे भनक लग गई। उठा उसको। हे तुम, रख। बहुत दिन से नजर थी मेरी मीता पे। शामू, दुकान नक्की करके आया हो, जैसा आपने बोला वैसे। बस एक बार ये लाइसेंस हाथ में आ जाए ना, बढ़िया पार्टी दूंगा आपको। मुझे अच्छी लगती थी वो। तो भी चलेगी ना पार्टी में? पहले ठीक से खड़ा हो जा। अरे अरे सॉरी 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 मीता, सॉरी। अरे सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है तू? देख ही नहीं चला सकता तू? अरे मेरे साइकिल का ब्रेक टूट गया था, सॉरी ना यार। जानबूझ के किया ना? अरे नहीं नहीं कसम से मेरा ब्रेक टूट गया था। सीधी मुंह बात भी नहीं करती थी। अरे कुछ करना यार, मुझे उस मीता के साथ लव करना है। ए लवर, थोड़ा कंट्रोल कर अपने आप को। अरे दैवत से बात करना, उसका दोस्त बबन। अरे उसके पास घर है ना, उधर लेके जाते हैं उसको। सब मिलके साथ में मजा करेंगे, क्या बोलता है? सॉलिड ना? ये बात तूने सही बोली। हाँ, सब साथ में मजा करेंगे। हेलो। हाँ देवत। अरे वो मेरा दोस्त है ना प्रतीक, अरे उसको मिर्ची लगा लव का।
थोड़ा शांत करना पड़ेगा। तेरा दोस्त है ना बबन, उसका घर लगेगा बस। हाँ अच्छा ठीक है, हो गया, हो जाएगा। बस तुम लड़की को उठाने का इंतजाम कर। फोर व्हीलर है ना तेरे पास? दो है यार, एक ही चाहिए। एक? लेकिन दो लड़कों से काम नहीं चलेगा, तीसरा लड़का लगेगा अपने। तीन? दैवत तो और मैं। अरे दैवत तो चाबी लेने जाएगा ना, लड़की उठाने के लिए तीसरा लड़का लगेगा। मेरा दोस्त है, उसको बुलाता हूँ, सिकंदर। अरे यार इतने सारे लोग, क्रिकेट नहीं खेलना है? ये चिंदी चोर, अभी तूने बोला ना सब मिलके मजा करेंगे, वैसे कौन सी तेरे को शादी करना है? अरे नहीं रे बाबा, अब पिछले टाइम तुम लड़की लेके आए थे, कितना राड़ा किया था, मेरे को नहीं मांगते झंझट सब। अरे बबन दादा इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लड़की गांव का है, चिल्लम चिल्ली नहीं होगा, मैं हूं ना। अब दे दो चाबी, दे दो। थैंक यू बबन दादा, जाओ मजा करो। प्रतीक वो पापा को बोलना कि 6 ड्रम घासलेट का इंतजाम करें। आई मैं ये थे, मेरी डीलर से बात हो गई है। बाबा मैं जा रही हूं। जी बोल दूंगा, मैं जाऊं? हाँ जा जा जा, तो देख भूलना नहीं। हाँ हेलो। अरे भाऊ बेहोशी की दवा के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है। रख लो रख लो, लाता हूँ। अच्छा खासा असर हुआ है गोली का। ए लवर, याद है ना तेरे को मिल बांट के? हाँ चलो ओपनिंग तू कर ले, ठीक है? अरे ये देख इसको क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है यार। हाँ कहीं मर तो नहीं गई? हाँ अरे ये मरे तो हम मर जाएंगे। तो अभी क्या करें? एक काम कर, मार्केट के पास जो डॉक्टर है ना उसको अभी उठा के लेके आओ। चल 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 जाओ जल्दी जाओ। ये ले पानी ले। मैं बोल रहा हूँ ये मर जाएगी, बाहर फेंक क्या थी इसको। एक काम करो मैं घर जाता हूँ, तुम लोग इसको रिक्शा स्टैंड के पीछे फेंको और इसके बाप को फोन करना, ठीक है? चलो। मीता अच्छी लगती थी मुझे, मगर चांस ही नहीं देती थी, इसलिए तो इतना सब प्लानिंग करना पड़ा मुझे। पागलो कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। मीता ने बोला था 12 लोग थे, बाकी 8 कहाँ है? 8? हम तो 4 ही थे साहब। साहब हमने 2-3 बार 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 किया, इसलिए उसको लगा होगा कि 12 है। इस केस में शुरू से हमें एक शक था कि अपराधी 4 नहीं 12 है, और जब हमने प्रतीक को पकड़ा तो ये साफ हुआ कि अपराधी 4 है। बाकी अपराधियों को हमने यूपी एमपी और सिकंदर को कर्नाटक से पकड़ा और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की। इस केस को शुरू से देखता हूं तो एक बात साफ नजर आती है कि आने वाले गुनाह की दस्तक मिली थी, लेकिन मीता के माता पिता और गांव वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका नतीजा एक मासूम और हुनर लड़की के साथ एक घिनौनी घटना घटी। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आंखें और दिमाग खुली रखें, अनहोनी और अपराध को सुने और उसे रोकने में हमारी मदद करें। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।